Hello girls, मैं निशी कौशिक HOD टेक्सटाइल गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। गर्ल्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अपनी TTC LRDC की तरफ से जो है ई लेक्चर्स यूट्यूब पर आप लोगों को जो है दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा। तो गर्ल्स, आज अपन लोग प्लेन वीव और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसका पार्ट थर्ड, यानी कि आज अपन जो प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो गर्ल्स, इसमें देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपनी तीन बेसिक वीव्स हैं गर्ल्स, जैसे फर्स्ट प्लेन, ट्विल एंड सैटिन। ठीक है गर्ल्स, तो जो डेरिवेटिव्स हैं, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डेरिवेटिव्स मतलब है कि जो भी वीव्स अपनी बेसिक हैं, जो जिस सिद्धांत या पैरामीटर्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के को बेस या आधार लेकर उसी के जो पैरामीटर्स है अपन अपने वीव्स बना रहे हैं या उसके प्रकार बना रहे हैं या टाइप्स बना रहे हैं, वो ही उसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने प्लेन वीव का सिद्धांत है वन अप वन डाउन, तो अपन ने अभी तक गर्ल्स प्लेन वीव के जो डेरिवेटिव्स हैं उसमें अपन ने पढ़ा वार्प रिब, वेव रिब। ठीक है, और दोनों ही वार्प और वेव रिब जो है वो दो तरह की होती है, रेगुलर वार्प रिब और इररेगुलर वार्प रिब और वेव रिब। तो देखिए गर्ल्स, जो रेगुलर है वो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें एंड्स एंड पिक्स की मात्रा समान है, ठीक है, पर इंच के अंदर, वो अपनी रेगुलर है। और जिसमें जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4 क्या है, रेगुलर हैं। और इरेगुलर कौन सी हो गई, वार्प या वेव रिब, जिसमें एंड्स एंड पिक्स की मात्रा जो है गर्ल्स वो अलग अलग है, जैसे कि 3x2 है, 5x3 है, 4x2 है एंड सो ऑन है। तो इस तरीके से अपन ने जो प्लेन वीव और उसके दो तरीके डेरिवेटिव्स, यानी कि वार्प और वेव, रेगुलर एंड इरेगुलर वेव रिब कर चुके थे गर्ल्स। तो आज का डेरिवेटिव है मैट, हॉपसेक या बास्केट वीव, वो शुरू कर रहे हैं गर्ल्स। जो भी मैट, हॉपसेक या बास्केट वीव है, इनको अपन जो है इसी नाम से जो है जाना जाता है इनको। हॉपसेक वीव जो है ये अपनी प्लेन वीव का ही क्या है, एक वेरिएशन करके बनाई जाती है। वेरिएशन से मतलब आप लोग जान ही गए हैं कि जैसे जहाँ पर भी अपन जो बना रहे हैं गर्ल्स स्क्वायर पेपर पर, या जिसको अपन बाद में जो है कपड़े के ऊपर लेके आएंगे, उसमें वाइस वर्सा जो है एक के बाद एक जो है इंटरलेसमेंट पॉइंट अप एंड डाउन में होते हैं गर्ल्स। ठीक है ना, तो इसको जो है जब अपन हॉपसेक वीव बनाते हैं गर्ल्स, तो इसमें अपन दो या दो से अधिक वार्प या वेफ्ट यार्न्स यूज करते हैं। यदि देखा जाए तो अपनी जो मैट, हॉपसेक या बास्केट वीव है गर्ल्स, ये वार्प रिब और वेफ्ट रिब, ठीक है ना, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन से अपन हॉपसेक वीव बनाते हैं। ये जो वीव्स के जो धागे हैं इनको अपन या तो डबल ले सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं गर्ल्स। ये जो वीव्स हैं इसमें जो इंटरलेसिंग पॉइंट हैं गर्ल्स, ठीक है ना, वो जो है प्लेन वीव की तरह ही होते हैं, जैसे कि वाइस वर्सा कि पहले अप है तो दूसरे में डाउन, और जब ऊपर की साइड जाएंगे अपन तो उसमें डाउन होंगे और अप होंगे, यानी कि वाइस वर्सा जो है वो अपना चल रहा है। ठीक है, और ये जितने भी यार्न्स हैं ये पैरेलल जो हैं वो एक ही पथ पर अपने कार्य करते हैं। इनमें जो पर स्क्वायर में जो है ना, जो इन वीव्स के अंदर टू या मोर वेफ्ट यार्न्स जो हैं वो एक ही शेड के अंदर डाले जाते हैं, या वार्प रिब होगी तो उसमें अपन जो है दो या दो से अधिक थ्रेड्स जो है वो एक ही जो है मेलाई के अंदर वो डालेंगे। ठीक है, या तो पर डेंट में हो गया या मेलाई में हो गया, एक ही बात है। ठीक है, दोनों में। अब जो इस वीव से जो कपड़े बनाए जा रहे हैं गर्ल्स, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होते हैं और इनमें रिंकल रेजिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा होता है अन्य फैब्रिक से बने हुए की अपेक्षा, क्योंकि इसमें जो पर स्क्वायर इंच में धागों का इंटरलेसमेंट है वो कम होता है, अर्थात इसमें फ्लोट्स बनते हैं। अपन देखेंगे कि जैसे कि अभी जो अपन वीव्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने ए और बी में बता रखा है 3x2 या 3x2 की रेगुलर इरेगुलर में, कि एक फ्लोट बनेगा वेफ्ट का या वार्प का।
ठीक है, तो इसके अंदर जो है पर स्क्वायर इंच में इंटरलेसिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं तो जो है, और ज्यादातर वार्प और वेफ्ट की संख्या जो है वो दोनों रिपीट के अंदर बराबर होगी। चित्र ए के अंदर मैंने 2x2 रेगुलर हॉपसेक वीव को दर्शा रखा है नेक्स्ट स्लाइड में, और चित्र बी में गर्ल्स 3x2 की इरेगुलर हॉपसेक को दर्शाया गया है। इस वीव की विशेषता है कि इसमें कपड़े की फेस में या बैक में, यानी कि दोनों बोथ साइड फेस एंड बैक में हमें स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स इक्वल साइज में आते हुए नजर आते हैं। समझ गए, यानी कि स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स जो हैं कपड़े के दोनों साइड्स में आते हुए बराबर, जो उनका आकार है बराबर से। देखिएगा इस स्लाइड में मैंने जो है आप लोगों को फर्स्ट जो है अपना ए डिजाइन, उसमें 2x2 की रेगुलर ऑब्जेक्ट को दर्शाया गया है। तो यानी कि इसमें जो है वेफ्ट का फ्लोट बन रहा है गर्ल्स, टू जो है टू अप टू डाउन, तो प्लेन वीव का सिद्धांत जो वाइस वर्सा है वो भी चल रहा है इसमें। नेक्स्ट A1 में मैंने ड्राफ्ट बनाया है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड जो एक सा कार्य कर रहे हैं उनको फर्स्ट हील्ड में डाला है, थर्ड एंड फोर्थ एंड जो एक सा कार्य कर रहे हैं उनको सेकंड हील्ड में डाला है। उसी के हिसाब से मैंने पर डेंट यानी कि शेड जो बना रहेंगे अपन, तो टू ऐसे बनेगा कि एक जो है एक डेंट के अंदर अपन दो थ्रेड्स जो हैं वो डालेंगे डेंटिंग में। राइट साइड में गर्ल्स जैसे अपन है ही पैक प्लान को बना रखा है और हील्स को जो है वो ट्रेडल्स के संग ज्वाइंट कर रखा है। ये अपनी 2x2 रेगुलर हॉपसेक का वन यूनिट ऑफ डिजाइन है, यानी कि एक इकाई बनाई है गर्ल्स। समझ गए, नेक्स्ट देखिए गर्ल्स 3x2 की इरेगुलर हॉपसेक है। इरेगुलर यानी कि जिसमें एंड्स एंड पिक्स की संख्या अलग अलग है, तो 3 और 2 5 हो गए, दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो 5 एंड 5 पिक्स पे बनी। इसको अपन ने क्योंकि फर्स्ट हरदम वार्प अप को शो करता है नंबर और सेकंड वाला डाउन को, तो इसमें गर्ल्स 3 अप 2 डाउन है ना, और ऊपर की साइड में अपन ने जो छूट गए हैं तो देखिए एक जो है रेक्टेंगल बनेगा और स्क्वायर फॉर्म होंगे। तो ये कपड़े के ऊपर जो है वो बराबर से इक्वली ही अपन को जो है कपड़े के फ्रंट में भी और बैक में भी आते हुए नजर आएंगे। अब जैसे गर्ल्स इसमें अपन को दिख ही रहा है डायग्राम्स में या फिगर में कि 1 2 3 तीनों एंड्स एक सा कार्य कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको फर्स्ट हील्ड में डालेंगे। फोर्थ एंड फाइव एंड्स एक सा कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको सेकंड हील्ड की मेलाई के अंदर डाला जाएगा। राइट हैंड साइड जो है गर्ल्स वो पैक प्लान यानी कि हील्स और ट्रेडल्स के जॉइंट को दर्शा रही है, और नीचे अपन ने डेंटिंग बनाया है यानी कि जो तीन अपने डेंट होंगे तीनों में से जो अपन एक एक जो थ्रेड्स है वो डाल रहे हैं तीनों में एक संग, एंड फोर्थ एंड फाइव में जो है फोर्थ और फाइव जो एंड है उनको अपन इसके अंदर डेंट के अंदर डालेंगे। आप लोग जानते ही हैं रीड के रीड वायर्स के बीच के स्पेस को हम डेंट बोलते हैं या स्पिल्ट बोलते हैं गर्ल्स। तो ये भी 3x2 इरेगुलर हॉपसेक की क्या है, वन यूनिट है ना, यानी कि एक इकाई अपन ने बनाई है गर्ल्स। नेक्स्ट में देखिए गर्ल्स अपन यदि इस वीव से बने हुए, ये तो अपन ने यदि अपन इस वीव की रिपीटेशन की तो गर्ल्स देख लीजिए 2x2 की जो हॉपसेक है उसको मैंने इसमें 4 टाइम्स जो है वो जो है रिपीट किया है। तो इस तरीके से अपना जो है बास्केट यानी कि जिसको अपन मैट भी बोलते हैं या हॉपसेक भी बोलते हैं, इस तरह से अपनी पूरी वीव के अंदर 2x2 का एक फ्लोट वेफ्ट का और जो है वार्प के आते हुए नजर आएंगे। और देखिए लो गर्ल्स ये रेगुलर और इरेगुलर, जो रेगुलर जो अपनी वार्प रेप और वेफ्ट रेप के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है ना, लेंथ वाइज देखोगे तो वार्प हो गई और विड्थ वाइज देख रहे हो तो वेफ्ट रेप हो गई, यानी कि रेगुलर वार्प और वेफ्ट रेप के कॉम्बिनेशन से अपन क्या बना रहे हैं गर्ल्स, मैट हॉपसेक या बास्केट वीव बना रहे हैं गर्ल्स। अब नेक्स्ट वाले अपने डिजाइन में आ जाइए 3x2 की इरेगुलर हॉपसेक जिसकी अपन ने 2 रिपीट्स बनाई हैं गर्ल्स। समझ गए ना, 2 रिपीट्स हरदम दुगने एंड्स एंड पिक्स पे बनेगी, यदि अपन 4 बनाते तो पिक्स भी दुगने हो जाते ठीक है ना, लेकिन अपन ने 2 ही रिपीट्स बनाई है तो 10 एंड्स एंड 5 पिक्स हरदम गर्ल्स। पहले जो भी अपन एक यूनिट ऑफ डिजाइन है उसको पहले एक बार हॉरिजॉन्टली डालेंगे,
फिर उसके ऊपर उसकी दो और बनाएंगे. यदि वो रिपीट्स आती हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे. तो इसको अपन ने टू रिपीट्स बनाई हैं, 10 एंड्स एंड 5 पिक्स पे. तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से जो है एक जो है डिज़ाइन क्या है, रिपीट ऑफ डिज़ाइन क्या है, ये भी समझ में आ गया होगा. क्योंकि अपने देखिए गर्ल्स इसमें जो हैं अपने जो है टू अप टू डाउन की पूरी वीव्स बन रही है. अपने जो हॉपसेक या बास्केट वीव है ना, इससे बहुत सारे जो कुछ फैब्रिक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं गर्ल्स. जैसे ड्रेस मटेरियल है, शर्टिंग्स का है, सेल क्लॉथ्स का है एंड डक क्लॉथ्स, यानी कि जो लिनन या किसी के जो अपने कैनवास वगैरह हैं वो भी इस वीव से बनाए जाते हैं गर्ल्स. जैसे आपको पता ही है इस वीव की जो एक तो ये फ्लैक्सिबल होते हैं और इस वीव से बने हुए कपड़े फ्लैक्सिबल होंगे और इनमें एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता रहता है, लेकिन हैंगिंग पावर यानी कि जो लटकन क्षमता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ठीक है ना. इसलिए इस जो डिसएडवांटेज है इस वीव की है ना, या हानि है या कमी है, उसके लिए हमने जो है बाद में डिज़ाइनर्स ने अदर एक्सटेंशन जो हैं वो हॉपसेक के दिए हैं, समझ गए. तो इस वीव की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इसकी ड्रैपिंग प्रॉपर्टी यानी कि लटकने की क्षमता अच्छी नहीं होती है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए गर्ल्स अपने मॉक फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक वीव, ठीक है. ये भी गर्ल्स क्या है, अपनी जो प्लेन वीव है, वार्प रिप है और वेफ्ट रिप है, ठीक है. इन सबके कॉम्बिनेशन से अपन फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक वीव बनाते हैं, समझ गए ना गर्ल्स. तो ये अपनी जो है क्या है, फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक है, जिसको मैंने 10 एंड्स एंड 10 पिक्स पे बनाया हुआ है. ये वाली वीव्स गर्ल्स जो है ज़्यादातर ज़्यादा जो नंबर हैं एंड्स एंड पिक्स के उसके ऊपर बनाई जाती है, जैसे 8 एंड 8 पिक्स पे, 10 एंड्स एंड 10 पिक्स पे या 12 एंड्स एंड 12 पिक्स पे. इस तरीके से ये वीव जो है वो बनाई जाएगी. इसको बनाने का तरीका गर्ल्स, ठीक है ना, इसको बनाने का है कि अपन पहले जो है क्या करेंगे कि जो अपन को जितने एंड्स एंड पिक्स पे बनानी है उसका आधा कर लेंगे. जैसे 10 एंड 10 पिक्स पे बनानी है तो 5 एंड 5 पिक्स को पहले एक एक जो है फर्स्ट पे और 5 पे एक एक प्लेन वीव का अपन इंटरलेसमेंट पॉइंट ले लेंगे, समझ गए. और उसके बाद जो भी अपना बीच की स्पेस बनती है गर्ल्स, उसमें क्या करेंगे अपन जो है इंटरलेसमेंट पॉइंट लगा देंगे. तो देखिए गर्ल्स इसके अंदर 3x3 की हॉपसेक का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना. अब जो अपन इसका जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि 6 7 8 9 10 जो एंड्स ऐसे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, उनको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस जो फर्स्ट वाला अपन ने जहाँ पर 3x3 की हॉपसेक का निर्माण हो रहा है, तो इस साइड को बनाने के लिए अपन जहाँ पर इंटरलेसमेंट पॉइंट नहीं है वहाँ पर इंटरलेसमेंट पॉइंट लगा देंगे और बाकी को खाली रखेंगे, समझ गए ना. अब जैसे प्लेन वीव का है इसके ऊपर वापस से वाइस वर्सा जो है इधर का उस साइड में बनाएंगे तिरछी डायरेक्शन में, और जो अपनी हॉपसेक का है उसको उसके वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे. तो ये अपनी जो है 10 एंड्स एंड 10 पिक्स के ऊपर क्या है गर्ल्स, फैंसी या वेरीगेटेड हॉपसेक बनी हुई है. आप लोग गर्ल्स सबसे बड़ी बात है कि जितना वीव्स का प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप लोग ज़्यादा क्लियर होंगे. तो आप लोग इसको 8 एंड 8 पिक्स पे और 12 एंड 12 पिक्स पर भी बना के देखिएगा. तो ये आप लोगों को उसमें आपको 2 की एंड 4 की यानी कि 8 एंड 8 पिक्स पे बनाएंगे तो 2 की हॉपसेक का निर्माण होएगा और 12 पे बनाएंगे तो 4 की का हो जाएगा. तो इस बात का आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट गर्ल्स आ जाइए अब, ठीक है ना, मॉक रिब इफेक्ट. गर्ल्स ये जो है ये प्लेन वीव जो है जो अपन कपड़े प्लेन वीव से बनाते हैं यानी कि वार्प और वेफ्ट रिप से, उसी का एक डेरिवेटिव है. जैसा कि अपन ने आगे देखेंगे गर्ल्स चित्र ए में जो अपन ने वार्प रिप रेगुलर बना रखी है, ठीक है ना, तो उसमें ही वेफ्ट में दो धागों को एक साथ एक पर्न पर लपेट लेते हैं, ठीक है ना. दो धागों को एक संग ही जो है एक पर्न पर लपेट कर उसको डबल थ्रेड जो यानी कि वेफ्ट का बन गया है उसको जो शेड बनेगा अपना उसमें से इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि 2 सिंगल पिक्स के बदले में अपन एक प्रॉपर जो है
वार्प, रिप या कॉर्ड का निर्माण कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स अपन स्पेशल इफेक्ट भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के अपन पर्ण के ऊपर धागे लपेट रहे हैं उनको जो है एक दूसरे से ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तीन चार तरह के अपन ने सपोज कोई गोल्डन ले लिया, कोई सिल्वर ले लिया, कोई रेड ले लिया या कोई भी, उनको अपन ने हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गर्ल्स, ठीक है ना। और फिर उस पे जो है अपन शटल में पर्ण को डाल के उस धागे की और शटल बॉक्स के एक से दूसरे में यानी कि पिक को इंसर्ट करेंगे तो जिस पर जो धागा ऊपर आएगा गर्ल्स, तो वो हमें एक स्ट्रैकी इफेक्ट या इमिटेशन वेफ्ट रिब जो है अलंकृत वेफ्ट रिब आते हुए कपड़े पर नजर आएगी, यानी कि चौड़ाई में नजर आएगी वार्प रिप में। और वेफ्ट रिप में क्या होगा गर्ल्स, अपन को कपड़े की जो है लेंथ वाइज डायरेक्शन में वीव्स जो है वेफ्ट रिप नजर आएगी। इसी तरह से अपन जो है मेलाई में भी दो या दो से अधिक धागों को जो है अलग अलग तरह से ट्विस्ट करके या काउंट नंबर अलग अलग लेकर जो है रिब इफेक्ट यानी कि मॉक रिब इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कपड़े के ऊपर जो है हमें डिफरेंट टाइप्स की अलंकृत रिब्स एंड कॉर्ड्स कपड़े पर आती हुई। अब आ जाइए, ये देखिए मॉक रिब इफेक्ट जो है वो मैंने आप लोगों को शेडेड स्क्वायर जो है इमिटेशन या स्ट्रैकी इफेक्ट को अपन इसके द्वारा दर्शाएंगे। जैसे चित्र पी जो है वो अपनी रेगुलर वार्प रिब है जिसमें मैंने 2x2 को दिखाया, और जो शेडेड स्क्वायर हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने जो है वेफ्ट वार्प रिब में वेफ्ट जो है वो जो है उसमें पर्ण के अंदर अलग अलग तरीके रंग के लिए हैं या अलग अलग काउंट के लिए हैं स्ट्रैकी इफेक्ट या इमिटेशन डालने के लिए। और जो दूसरा अपना क्यूट डिज़ाइन है गर्ल्स, जिसमें 2x2 की वेफ्ट रिब को डाला गया है, तो इसमें रिब या कॉर्ड्स कपड़े की लेंथ वाइज डायरेक्शन में लंबवत आती हुई कपड़े के ऊपर नजर आएंगी। इसके अंदर जो है गर्ल्स अपन लोग जो हैं जो हील्ड की मेलाई के अंदर अपन वार्प थ्रेड्स डालेंगे उनको जो है एक दूसरे के अंदर ट्विस्ट करके या अलग अलग रंग के धागे डाल के हल्का सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं कि डालेंगे तो कपड़े के ऊपर हमें इस तरह की रिब या कॉर्ड्स जो है वर्टिकली आती हुई दिखाई देंगी। इससे कपड़े का क्या है गर्ल्स, एक तरीके से ऑर्नामेंटेशन यानी कि सरफेस जो है उसको हम ऑर्नामेंट कर लेते हैं इस वीव के द्वारा, ठीक है ना गर्ल्स। ये आप लोगों को मेरे ख्याल से मॉक रिब इफेक्ट भी अब थोड़ा सा जो है क्लियर हो गया होगा, और इसको अपन बार बार पढ़ेंगे गर्ल्स, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर से आएगा, ठीक है। ये अपना क्या है मॉक रिब इफेक्ट हो गया गर्ल्स। अब क्या है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को जो है इससे पहले मॉक रिब इफेक्ट से पहले हॉपसेक बताई थी, ठीक है ना गर्ल्स। तो हॉपसेक की मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि इसके जो हॉपसेक वीव से कपड़े बनते हैं गर्ल्स, ठीक है ना, वो फ्लैक्सीबल होते हैं, ठीक है। दूसरा के इनके एब्रिएशन रेजिस्टेंस या रिंकल रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा है, लेकिन इन वीव्स की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जो हैंगिंग पावर होती है यानी कि लटकने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि वेफ्ट के फ्लोट्स बनते हैं गर्ल्स या वार्प, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि कपड़ा जो है वो कहीं से ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, धुलने के बाद जो है। तो उन सब कमियों को दूर करने के लिए डिज़ाइनर्स के द्वारा जो है हॉपसेक की कमियों को दूर करने के लिए कुछ एक्सटेंशन दिए गए, जैसे कि बार्लेकॉन हॉपसेक, स्टिच्ड हॉपसेक एंड ट्विल्ड हॉपसेक। जो बार्लेकॉन हॉपसेक है उसमें अपन ने सिंगल या ट्विल डबल ट्विल लाइन देख के इसको बना लेते हैं। स्टिच हॉपसेक में अपन स्टिचेस दे देते हैं गर्ल्स, वेफ्ट वार्प में भी और वेफ्ट यानी कि दोनों वार्प एंड वेफ्ट बोथ डायरेक्शन में भी। तो स्टिचेस देने के बाद जो है कपड़े की जो अपने फ्लोट्स बनते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि जो इसकी डिसएडवांटेज है वो लटकने की जो क्षमता है या हैंगिंग पावर है वो अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से गर्ल्स ट्विल्ड हॉपसेक है जिसको अपन साटिन वीव से बनाते हैं। तो गर्ल्स ये अपना आज जो मैंने आप लोगों को दिया है प्लेन वीव एंड इट्स डेरिवेटिव्स अपना जो यूनिट 7 है गर्ल्स वो कंप्लीट हो गया है। तो गर्ल्स मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोग रेगुलर पढ़ाई करेंगे और अच्छे से जो हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे, और साथ ही जो भी वीव्स मैंने आप लोगों को प्लेन ट्विल साटिन
जो बताई हैं और सिस्टम ऑफ ड्राफ्टिंग, टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट बताए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे। तो गर्ल्स, थैंक यू एंड गुड बाय। नमस्कार।